हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ न्यू व्लॉग में। और जी व्लॉग की स्टार्टिंग की है आज मॉर्निंग 6 बजे से। उठ तो गई थी गाइस मैं 4 बजे, बट उसके बाद अभी व्लॉग की स्टार्टिंग करने का मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। आज है अष्टमी और अष्टमी को पूजन होता है हमारे यहाँ मैया रानी का, कालका मैया की हमारी मानता है। तो आप नवमी को पूजन करते हो या 8 को अष्टमी को करते हो, मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो जी सुबह मैं उठ के सबसे पहले नहा के लो और टी शर्ट पहन के मैंने साफ़ सफाई की, उसके बाद फिर अभी साड़ी चेंज की है। आप चलेंगे किचन में और किचन में आज मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ वही आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये खीर बननी रख दी है, बनी ही गई है ये, तो मैंने सबसे पहले उठ के और दूध उबाला और उसमें फिर चावल डाले थे। इसमें अब डाल देते हैं इलायची। इलायची साबती भी डालते हैं बट मैंने इसमें ना तोड़ के और उसके जो अंदर निकलते हैं ना बीज उनको पीस के फिर इसमें डाला है। तो खीर मेरी बन गई है। अब मैं यहाँ पे हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो जी आज सभी चीज़ें देसी घी में बनेंगी क्योंकि मैया रानी का भोग घी में ही बनता है। ये मैंने इसमें रवा ऐड कर दिया है, इसको भूनेंगे सुनहरी होने तक, बादामी रंग जो होता है ना बादाम का सुनहरी, तब तक इसको भूनेंगे। और यहाँ पे ये खीर भी चला देते हैं बीच में एक बार। तो खीर भी बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल खोआ सा निकल गया है क्योंकि मैंने ना देखो झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और डस्टिंग वगैरह करी, इतना खीर खूब उबली है अच्छे से। तो यहाँ पे ये बुन चुका है मेरा रवा भी, रवे में थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर लेते हैं तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है गाइज। अभी इसमें हम डालेंगे चीनी, और चीनी आप अपने टेस्ट अनुसार आप कैसे बनाते हो मेरे को बताना, बेसन डाल के या फिर ऐसे ही। तो जी अभी इसमें चीनी ऐड कर दी है, इसको थोड़ा सा घुमाया है और चीनी मिक्स हो जाएगी। इतने यहाँ पर मैंने गोला और बादाम कस लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। किशमिश भी डालते हैं, किशमिश भी बहुत टेस्टी लगती है। जो होता है मैं वही डाल लेती हूँ। किशमिश रखी है लेकिन कोई पसंद करता है कोई नहीं पसंद करता, आप समझ रहे हो ना, तो इसलिए मैंने बादाम और गोला कस के ये इसके ऊपर ऐसे ही ऐड कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो दोनों चीज़ें। ये तो दो चीज़ बनकर तैयार हो गई है जी, खीर और हलवा। अब करेंगे सब्जी बनाने की तैयारी। तो सब्जी के लिए घी चढ़ा दिया है और सब्जी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की, और ये टमाटर हरी मिर्च कट कर ली है, जीरा, और इसमें ऐड कर दिया है हींग। उसके बाद हरी मिर्च ऐड करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो इनको अभी हम चलाएंगे थोड़ी सी देर, थोड़ा सा भुनने के बाद इनमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में गाइज अगर आप नमक पहले डालते हो तो हल्दी बाद में डालना, हल्दी पहले डालते हो तो नमक बाद में डालना। तो मैं यहाँ पर नमक मिर्च डाल रही हूँ और हल्दी डालूँगी बाद में। नमक इसलिए ताकि टमाटर जो है ये अच्छे से इनका पेस्ट सा बन जाएगा, जैसे कि चटनी होती है। तो ये देखिए थोड़ी सी देर में ही बन जाता है और इससे तरी अच्छी आती है। लाल मिर्च जो डाल देते हैं ना पहले तो उससे तरी आती है सब्जी में। बाद में डाल ली है जी इसमें हल्दी। अगर नमक हल्दी एक साथ डल जाते हैं तो कलर नहीं आता है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो ज़्यादातर पता ही होता है जी सबको। फिर इसमें हम सब्जी कटी हुई है जो उनको ऐड कर देते हैं। सब्जी आज पति देव ने काटी है जी, 2-3 कामों में मेरी हेल्प करी है। नारियल भी छील रहे हैं बाहर, अभी सब्जी कट करके मेरे को दे गई है। अच्छा लगता है जब मेरी हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ढक देते हैं जी, बनती रहेगी। और कुकर में मैंने उबाल ली है चने, तो ये चने भी आज मैया रानी के भोग में होते हैं हलवे के साथ। साथ में मैं आटा गूंद लेती हूँ, तो आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा अजवाइन। पूरियाँ बहुत अच्छी बनती हैं और साथ में इसमें तेल, तो सरसों का तेल ऐड करते हैं गाइज, जो मोन बोलते हैं आटा पूरी का जो आटा लगता है ना उसके अंदर। घी नहीं डलता है, डालते हैं कोई मेरे को पता नहीं है बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि आटे को रख देते हैं ना तो घी सर्दी में जम जाता है तो आटा भी जम जाता है। फिर मैंने फटाफट से बेल ली है पूरियाँ और साइड में गाय के गोबर का जो है उपला उसकी आँच तैयार की है। अब चलते हैं मंदिर में, आज ये गाइस पूजा कर लेते हैं, मैया रानी का लगा देते हैं भोग। और ये देखिए मेरे जौ कैसे हो रहे हैं बताना आप, सुंदर लग रहे हैं ना, हरे भरे। यहाँ पे पूजा करी थी मैया रानी की, आरती वगैरह करी है, गणेश जी की आरती करी है। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया गाइस पूजा करने में, आज भोग लगाया है उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया किचन में बनाने में। तो जी चलते हैं आप गाय के पास और गाय मैया को खिला के आएंगे। उसके बाद फिर 9 देवी मैया ढूंढनी है मेरे को,
अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, तो उनको इकट्ठा करना है। वैसे तो वीर को भेज दिया है, और यहाँ पर मैंने खिलाया, देखो दो गायें हैं तो दोनों आपस में लड़ रही थी। फिर मैंने समझाया बड़े प्यार से कि मान जाओ बहन, आराम से खा लो, लड़ाई नहीं करते, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, बिखर जाएगा, कोई सिका भी नहीं आएगा। तो फिर इनकी बात समझ में आई, तो इनने बड़ी आराम से खाया है आधा आधा करके। लेकिन ये मेरे को प्लेट नहीं उठा देने दे रही, और ये बोल रही है कि बढ़िया ही समझदार, हम नहीं देते प्लेट, क्योंकि अच्छी बात किसी को पसंद नहीं आती ना। तो गाय मैया को भी अच्छी नहीं लगी मेरी बातें समझदारी की, इसलिए मैं ज़्यादा समझदारी की बातें नहीं करती। ये नन्ना मुन्ना सा देखिए, इनका मुन्ना है, अभी गाय ब्याई है, तो बहुत क्यूट है। स्पेशल इसी के साथ मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी चलती है घर के लिए, क्योंकि आज जल्दी बहुत है, टाइम बहुत कम है। और गाइस यहाँ पे अभी देवी मैया आ चुकी हैं, तो मैं इनके पैर धो लेती हूँ। चरण धोते हैं ना कच्चे दूध गंगा जल से, पानी से, और ये घास दूब बोलते हैं, दूब कलाई में बांध के दूब, उससे पैर धोते हैं, और फिर उनको अपने पल्लू से जो है साफ करते हैं। तो जैसे जैसे मैं करती हूँ और मैंने सीखा है भाई, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सही गलत इसका मेरे को पता नहीं है, आप कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसे ही करते हो। उसके बाद फिर तिलक करते हैं, तिलक, ये बेटा एक ना यहाँ पे ऊपर बैठा है, नीचे नहीं बैठता है, ये देख रहा है यहाँ पर फीस कैसे चल रही है, एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रही है ना। तो ये यहाँ पर लंगुरिया भी हैं और देवी मैया भी हैं। वीर ने जितनी मिली है ना सारी, सबको इकट्ठी करके लेके आया है, ये सबको बोल के आया, चलो आज हमारे घर खाना खाना है। तो ये यहाँ पे अभी मैं चुन्नी उड़ाने लगी, चुन्नी भी उड़ाते हैं, जो जो चीज़ें पहले करने की होती है खाना खाने से वो पहले करते हैं, फिर बाद में। तो ये सभी चीज़ें मैंने बना के उगाई जी, इकट्ठी करके यहाँ टेबल पे रख ली, ताकि बाद में बार बार मैं किचन में नहीं जाना पड़े, मेरे को हेल्प करवाने वाला कोई है नहीं ना इतनी ज़्यादा, सभी काम अकेले को मैनेज करने होते हैं। लेकिन मेरे को ना आज बहुत चाव सा चढ़ रहा है कि लड़की आएंगी खाना खाएंगी, देवी मैया हमारे घर आएंगी। तो जी आ चुकी हैं और बहुत मेहरबान है देवी मैया हम पे। तो यहाँ पे मैं अभी सबको जैसे खाना लगा रही हूँ, और वीर आया है मेरी हेल्प करवाने, ये फटाफट से दे रहा है, एक 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 करके बारी बारी से सबको दे देंगे, और फिर एक साथ में भोग लगवाते हैं, मैया रानी का जयकारा लगवाते हैं, फिर भोग लगवाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। अभी जी यहाँ पे खाना खा लिया था, तो फिर प्लेटें उठाने लगे। वीर बोला मैं मम्मी जी गिलास उठा लेता हूँ पानी के, आप प्लेटें उठा लो। और छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं सारी, बहुत ही क्यूट है, प्यारी प्यारी हैं, बहुत अच्छा लगा। इनके साथ बैठूंगी मैं थोड़ी सी देर गाय, जब भी खाना खा लिया है ना तो 10-15 मिनट के साथ बैठ के और बातें करूंगी, मेरे को अच्छा लगता है बच्चों के साथ बैठना। लेकिन उससे पहले मैं इनको प्रसाद दे देती हूँ, जो जो मेरे को देना है, नारियल होता है, गोला होता है, कोई भी फल, आप सेब वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, और पैसे वगैरह दे देते हैं, जैसे जैसे मतलब जो भी हेयर बैंड पर्स वगैरह जो देना होता है ना, ऐसे ही मतलब विदाई जो करते हैं, बाद में विदा करते हैं, तो वही मैं अभी फ़िलहाल नारियल का प्रसाद दे रही हूँ। और जो ये है ना सामने बैठी हैं, अभी दो बहनें हैं, साइड वाली भी दो दो बहनें हैं, फिर पैसे दे रही थी तो वीर बोला मेरे को नहीं दिए, फिर वीर ने भी पैसे ले लिए। तो यहाँ पर सबको पैसे देने के बाद फिर मैं केले बांटने लगी, और पैसे जैसे दे रही थी ना तो खुले नहीं थे, कई नोट 20-20 के थे, तो मैं वही दो जो बहनें थी ना, दो दो उनको फिर मैं बंदे दे रही थी। लेकिन वे कह रही थी नहीं आंटी, घर जाके हमारी लड़ाई हो जाएगी, ये मेरे को देगी नहीं, मतलब छोटी बहन बड़ी को नहीं देगी। तो दोनों का सेम ऐसा ही है भाई, छोटी बहन क्या इतनी तेज होती है, आप बताओ कि बड़ी को पैसे नहीं देंगी। तो यहाँ पर फिर मैं बैठ गई थी इनके साथ बातचीत करने, छोटे बच्चों के साथ बात करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और जितनी भी थकावट है सारी दूर हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर लेने लगी आशीर्वाद, और सभी मैया एक एक करके आशीर्वाद देकर बड़े खुश होकर
जा रही हैं और मेरे सिर पे हाथ रखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है सच में ही गाइज, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटे बच्चे ना बहुत ही क्यूट प्यारे होते हैं, इनके अंदर कोई अलछल नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता, तो बहुत ही अच्छा लगा, आज का दिन मेरा बहुत ही बेस्ट रहा। बाय बाय, फिर आइए उनका, फिर आएंगे दोबारा ना, लंगूर जा रहा है, लंगूर जाएगा, वहाँ बम पटाखे छुटा रहे हैं। गाइस अभी काम मेरा हो गई है कंप्लीट, पूजा भी हो गई है और बच्चे भी सभी चले गए हैं, तो जी अभी मैं जा रही हूँ कीर्तन में, तो चलिए कीर्तन में चलते हैं। अभी गाइज मैं आई हूँ कीर्तन से और टाइम हो रहा है 5:30, तो जी लेट हो गया आने में, एक बार पूजा में बैठने के बाद कीर्तन में भजन सुनने में और डांस करने में इतना मगन हो जाते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता, तो जी जस्ट अभी आई हूँ और अभी देखती हूँ क्या करूँगी, अभी तो पूजा का टाइम तो होया नहीं है, शाम के पूजा करूँगी लेकिन व्लॉग का एंड करूँगी। गाइज व्लॉग पूरा हो चुका है, बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, ज़रा सा भी कहीं से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाले ब्लॉग के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइज़ आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।